हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी। अभी आपके लिए मैं कम्बैट नेटवर्क का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। दीप्तांशु सर भी आप देख रहे होंगे कि कम्बैट नेटवर्क के वीडियोस दे रहे हैं, तो मैं भी एक अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। क्वेश्चन क्या है आपके पास, ध्यान देखिएगा। एक सिमेट्रिकल ए सिमेट्रिकल स्क्वेयर वेव ऑफ 50% ड्यूटी साइकिल हैज एम्पलीट्यूड ऑफ प्लस माइनस 15 वोल्ट एंड टाइम पीरियड ऑफ 0.45 मिली सेकेंड। दिस स्क्वेयर वेव इज अप्लाइड अक्रॉस ए सीरीज RLC सर्किट विद R2 ओम, L 10 मिली हेनरी, C 4 माइक्रोफेरेड। द एम्पलीट्यूड एट 5000 रेडियन पर सेकेंड ऑफ द कैपेसिटर वोल्टेज, द एम्पलीट्यूड एट 5000 रेडियन पर सेकेंड ऑफ द कैपेसिटर वोल्टेज इन वोल्ट्स इज। एक RLC नेटवर्क दिया हुआ है, सीरीज RLC नेटवर्क दिया हुआ है, एक बाइपोलर स्क्वेयर वेव फॉर्म है, प्लस माइनस 15 वोल्ट। तो प्लस 15 वोल्ट और माइनस 15 वोल्ट आपके पास ये गिवन है, और आपके पास टाइम पीरियड भी गिवन है कि 0.45 मिली सेकेंड आपके पास टाइम पीरियड है। 50% ड्यूटी साइकिल है, तो ऑन और ऑफ टाइम का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। 50% ड्यूटी साइकिल का ही मतलब होता है। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। आपको कैपेसिटर का वोल्टेज बताना है कि कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा, और आपको किस फ्रीक्वेंसी पे निकालना है, 5000 रेडियन पर सेकेंड। तो ये बहुत मैटर करता है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे एंगेज करते हो, कैसे हैंडल करते हो, क्योंकि आपके पास एक बाइपोलर स्क्वायर वेव फॉर्म है और आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 5000 रेडियन पर सेकेंड। तो आपको ये भी देखना होगा कि 5000 रेडियन पर सेकेंड जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी पे आपके पास मैग्नीट्यूड कितना होगा, जो आप एक बाइपोलर स्क्वायर वेव फॉर्म जो अप्लाई करके रखे हो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 5000 रेडियन पर सेकंड पे। तो इन सब बेस पे बात है आपके पास। तो इस टाइप के क्वेश्चन एकदम से नहीं बनते, तो हो सकता है बहुत सारे लोग एकदम से रिप्लाई ना कर सके। ट्राई करना है सब लोगों को। बहुत सारे लोग जिनको नेटवर्क बहुत आता होगा उन लोगों को अच्छा आइडिया होगा, तो हो सकता है वो अलग अच्छा अटेम्प्ट करें। तो आप कमेंट्स में जिनका भी आंसर आता है बिल्कुल आप कमेंट्स में बताइएगा कि मेरा ये आंसर आ रहा है करके। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको ना ट्राई करना है, जितने जितने हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे उतना आपको क्वेश्चन नोट करना है। किसी क्वेश्चन में अगर गुड कंसेप्ट मिलता है तो गुड कंसेप्ट लेना है, लेकिन सभी को बहुत अच्छा ट्राई करना है। तो अभी हम लोग और भी सब्जेक्ट्स को बढ़ाएंगे, फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे, जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। तो आप ना आपको इसको ना कैसे लेना है मालूम, इसको आपको अपने अपने पेन कॉपी निकाले और जस्ट ट्राई किए और आपको लगता है कि यार मैं सही सॉल्व किया हूँ, तो आप कमेंट्स में जाके लिखिए। इससे किसी को लग सकता है कि सर कमेंट्स में हम क्यों लिखे, हमारा टाइम वेस्ट होगा। इससे ना एक ना माइंड सेटअप रहता है, जब आप दिन भर कुछ ना कुछ वर्कआउट कर रहे होंगे, कॉलेज गोइंग होंगे आप या फिर ड्रॉपर होंगे, तो आपके माइंड में रहता है कि यार मैं इसका आंसर दिया था, अब इसका आंसर क्या आने वाला है। तो सॉल्यूशन जब आप ना इसका वेट करोगे और जब इसका मैं सॉल्यूशन एक्सप्लेन करूंगा, तो आपके माइंड में ये बात, ये क्वेश्चन का डिस्कशन, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी मैं पॉइंट बताऊंगा, ये कभी भी 6 महीने 1 साल कभी भी आपके माइंड से नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इसका आंसर दिए, फिर आंसर देने के बाद आपको ये देखना है कि आपका आंसर सही है कि गलत है। तो ये सब चीज़ें ना माइंड में रह जाती है, ऐसे कंसेप्ट ना अच्छे खासे माइंड में रह जाते हैं। हम नॉर्मल जो पढ़ते रहते, नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते रहते, वो ज़्यादा दिन तक होल्ड नहीं रह पाते। बट ऐसे कोई कॉम्पिटिशन का पार्ट हो, कम्बेट का फॉर्म हो, जो मैं कम्बेट का फॉर्म बनाया हम लोग, ये आपके माइंड में रहेंगे। तो इन कम्बेट से एडवांटेज जो होने वाला है, टेक्निकली आप इन्वॉल्व रहोगे तो आपको एडवांटेज होगा। तो आप अगर कम्बेट के पार्ट हो, आप आंसर देते हो, कभी गलत होता है कभी सही होता है, लेकिन आप पार्ट हो, नो डाउट आप एडवांटेज में रहेंगे। इस बात को मेरा ध्यान रखिएगा पक्का। आपको आपका जो टेक्निकल जो पार्ट है, थॉट प्रोसेस है, वो हमेशा चलते रहेगा कि यार कम्बेट में मेरा ये आंसर गलत आया था, ये आंसर सही आया था, इस क्वेश्चन का सर ऐसे एक्सप्लेन किए थे, अगली बार अगर आएगा तो मेरे को अच्छे से एंगेज करना है। ऐसे सोच के साथ आपको कम्बेट का एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसका आंसर दीजिए, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन का वेट कीजिएगा जो मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, और जब मैं सॉल्यूशन दूंगा तो आपको मजा आएगा इसका सॉल्यूशन देखने में, ठीक है। ओके, थैंक यू।